रहा था यहाँ पे, तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं, रिफाइंड ऑयल के काले टिन लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं। एक दो वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं, साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं, इनको लैब भेजा जा रहा है जाँच के लिए, और जैसे ही रिपोर्ट आती है उस हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। सर, जैसे नकली दूध भी मिला है सर, कई हज़ार लीटर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ लगभग 4000 लीटर के आसपास में दूध है, और जो इनकी खरीद बता रहे हैं ये 2000 लीटर के आसपास की है। तो बाकी दूध कहीं ना कहीं किसी केमिकल से तैयार किया गया है यहाँ पे, ये मौके से लग रहा है। बाकी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उससे क्लियर हो जाएगा। सर, लाइसेंस है इन पे क्या? हाँ, एक रजिस्ट्रेशन इनके पास 2 साल पहले का था, तो लेकिन इस प्लांट को कोई और चला रहा था। अभी नहीं, लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिंथेटिक केमिकल्स भी बरामद हुए हैं। जो है हम भुन्ना जाटान गांव में हैं, और यहाँ पर लगातार एक शिकायत मिल रही थी कि दिवाली के टाइम में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। उसी के क्रम में आज जो है फूड विभाग की जो है हमारी छापेमारी हुई है, और छापेमारी में ये देखा गया कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं, जो सैक्रीन मिला है, एक वाइटनिंग पाउडर मिला है, और भी एक दो तरह के केमिकल्स मिले हैं जिनकी सैम्पलिंग की जा रही है। कितना से मात्रा हुई है देखने में आ रहा है विजुअलों में सर, हज़ारों किलो दूध है और साथ ही पनीर भी हज़ारों किलो है। जो कहाँ सप्लाई जो देख रहा हूँ मैं, वो तो ये है कि दूध जो है कई हज़ार लीटर यहाँ पर दूध मौके पर मौजूद है, और उसमें कई एक अलग तरह की दुर्गंध भी आ रही है। जो पनीर भी है, पनीर भी कई सौ किलो है, पनीर में भी अलग तरह की दुर्गंध है, और वो आम पनीर नहीं है जो हम लोग मार्केट में या जो हम देसी पनीर जो खाते हैं उससे काफ़ी भिन्न है। प्राइमा फेसी देख करके आप कोई भी आदमी जो है ये कह सकता है कि प्राइमा फेसी जो दूध बन रहा है और जो पनीर बन रहा है वो नकली ही है।